हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एक बार से फिर से। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो की शुरुआत इस सुंदर से नागचंपा के फ्लावर के साथ होगी फ्रेंड्स। और फ्रेंड, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर कोई भी गार्डनिंग का शौक रखता है और वो गार्डनिंग करना चाहता है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो गार्डनिंग कहाँ से स्टार्ट करे, कैसे स्टार्ट करे, कौन से प्लांट वो यूज़ करे, कैसी मिट्टी वो बनाए, तो उस सब चीज़ के बारे में आपके साथ मैं शेयर करूंगी आज। वही उसी पर आज का वीडियो है फ्रेंड्स। और वो कौन से प्लांट लगाए, किस तरीके के लगाए, और वो जो प्लांटर है वो किस तरीके के लगाएं, तो उस सब में शेयर करूंगी मैं आज आपके साथ। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड, आज की वीडियो का फर्स्ट टॉपिक रहेगा कि आप अगर अपने लिए अपने गार्डन तैयार करना चाहते हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कौन से प्लांट यूज़ करो, तो आप सबसे पहले ऐसे प्लांट यूज़ करो फ्रेंड, ऐसे प्लांट लगाओ जो कि बिल्कुल जिनको ज़्यादा केयर की आवश्यकता नहीं होती है। तो वैसे ही प्लांट मैं आज आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट प्लांट फ्रेंड रहेगा सदाबहार। सदाबहार फ्रेंड बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है और इसे आप कैसे भी ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से कर लें, इसके ये सीड्स होते हैं, सीड्स से ग्रो कर लें, कैसे भी इसे ग्रो कर सकते हैं। तो इस प्लांट को आप ग्रो करें अगर आप फर्स्ट टाइम गार्डनर बनना चाह रहे हो और सोच रहे हो कि कौन सा प्लांट यूज़ करूं, लगाऊं। सेकंड आप फ्रेंड रियो जो होता है इसे भी आप लगा सकते हैं। इजी टू ग्रो प्लांट है फ्रेंड और बहुत ही आसानी से चल जाता है, कटिंग से ग्रो हो जाता है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप गार्डनिंग शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले ऐसे प्लांट लें फ्रेंड जो कि बहुत आसानी से चलते हैं। ऐसे प्लांट ना लें जो कि बहुत मुश्किल से चलते हैं और उनके केयर के बारे में आपको पता ना हो और आप प्लांट भी लें और वो चल ना पाए और बाद में वो मर जाए। तो फ्रेंड्स, यही बताना चाह रही हूँ मैं कि जैसे कि बेलों में आप अगर आपके गार्डन को हरा बनाना चाहते हैं, जंगल लुक देना चाहते हैं, तो टर्टल वाइन हुआ फ्रेंड, टेंगल हार्ट हुआ, ये बेलें लगाएं, बहुत इजी टू ग्रो है फ्रेंड, बहुत आसानी से ये चल जाती है फ्रेंड। मनी प्लांट भी आप लगा सकते हैं फ्रेंड, ये भी इजी टू ग्रो है, पानी की बॉटल में भी आप इसे लगा सकते हैं फ्रेंड। फ्रेंड नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी, आप लगाना चाहें तो आप सदाबहार लगा सकते हैं, पोर्चुल्का लगा सकते हैं फ्रेंड, जिसे कि वो बोला जाता है दोपहर घड़ी मॉस्ट्रोस, इसे आप लगा सकते हैं, इजी टू ग्रो प्लांट है और बहुत आसानी से चल जाता है। पर्सलिन लगा सकते हैं, ये भी इजी टू ग्रो प्लांट है। तो फ्रेंड ऐसे प्लांट आप लगा सकते हो जो इजी टू ग्रो हो, ऐसे प्लांट ना लगाएं जो कि जिनकी केयर के बारे में आपको पता नहीं है और वो लाएं आप और चले भी नहीं, तो ऐसे प्लांट ना लगाएं फ्रेंड। तो फ्रेंड ये मैंने आपको कुछ प्लांट बताए, और भी बहुत सारे प्लांट है फ्रेंड, जैसे कि क्रोटन फ्रेंड आप लगा सकते हैं, क्रोटन जो है बहुत आसानी से चल जाता है। सिंगोनिया हुआ, इसे भी आप लगा सकते हैं, इसे लगाना तो बहुत आसान है फ्रेंड्स। देखिए आप, जैसे इसकी रूट्स निकल रही है ना, तो इस यहाँ से इसको आप तोड़ देंगे और लगा देंगे कहीं और, तो आसानी से चल जाएगा, तो आप इसे भी लगा सकते हैं फ्रेंड। अब नेक्स्ट टॉपिक जो सेकंड बात रहेगी वीडियो में इस टॉपिक की, वो है कि आप अगर प्लांट लगा रहे हैं तो आप प्लांटर कैसे खरीदें। फ्रेंड सबसे पहले मैं आपको सलाह दूंगी कि आप अगर कोई भी गार्डनिंग शुरू करना चाह रहे हैं और प्लांटर लेना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले अपने घर के वेस्ट को यूज़ करें, क्योंकि फ्रेंड्स आप फर्स्ट टाइम गार्डनिंग शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले बात है कि खर्चा भी नहीं होगा और आपको प्लांट लगाने का एक्सपीरियंस हो जाएगा कि इस तरीके से प्लांट चलता है, तब आप प्लांटर खरीद सकते हैं। और अगर नहीं भी खरीदना चाहते हैं तो मेरे गार्डन में कई ऐसी वेस्ट चीज़ें हैं फ्रेंड जिनमें कि आप अपने प्लांट लगा सकते हैं, छोटी छोटी बॉटल में आप अपने प्लांट लगा सकते हैं जो कि बहुत ईजी टू ग्रो होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से चलते हैं। देखिए फ्रेंड, बिस्लेरी की बॉटल जो कि ऐसे ही फिक जाती है, 20 रुपए की आती है, और देखिए 20 रुपए की बॉटल का कमाल कि कितना अच्छा इसमें प्लांट चल रहा है फ्रेंड। तो इस तरीके से आप अगर प्लांट लगाना चाह रहे हैं तो पहले अपने घर में ही कबाड़ को टटोलें, उसमें ही आप प्लांट लगाएं फ्रेंड, क्योंकि मैं तो यही सलाह दूंगी कि आप जो है अपने भी वेस्ट में ही किसी में भी लगाएं, रसोई घर में डिब्बे होते हैं बहुत सारे, डिब्बों में लगाएं, फिनाइल के डिब्बे निकलते हैं उनमें लगाएं। कई सारी वीडियो मेरे जो गार्डन का चैनल है उसमें पड़ी हुई हैं फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि आप क्या क्या लगा सकते हैं फ्रेंड। अब थर्ड बात रहेगी कि आप प्लांट लगा रहे हो तो सबसे पहले उसकी रहती है मिट्टी, अगर मिट्टी ही नहीं सही है फ्रेंड तो आपका प्लांट नहीं चलेगा। तो
थर्ड बात सबसे मेन है जो कि प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो फ्रेंड आप मिट्टी बना रहे हैं तो आप अपने प्लांट की मिट्टी ऐसी बनाएं जो कि बहुत ही भुरभुरी हो, ऐसी ना बनाएं जिसमें कि मिट्टी ही हो और वो मिट्टी आपको जब सूखी होती है तब तो ऐसे लगती है कि भुरभुरी है। बाद में फ्रेंड जब वो प्लांट लग जाता है तो वो जो प्लांट है उसकी जड़ों को इतना जकड़ लेती है कि जिससे प्लांट अपना मरने लग जाता है फ्रेंड। तो आप मिट्टी ऐसी बनाएं, उसमें आप ज़्यादा चीज़ें नहीं डाल सकते फ्रेंड। तो एक तो सॉइल डाल लें, एक रेत डाल लें जो कि रिवर सैंड होता है वो, और एक अपने गोबर की खाद डाल लें फ्रेंड। नॉर्मली आप तीन चीज़ें डालें फ्रेंड, आपके प्लांट बहुत अच्छी तरीके से चलेंगे। आप मेरा गार्डन देख ही रहे होंगे, मैंने अपने जो भी प्लांट लगाए उनमें यही तीन चीज़ें डालती हूँ मैं बिल्कुल वर्मी कंपोस्ट वगैरह नहीं डालती क्योंकि मेरे यहाँ पर जो गोबर की खाद है वो काफ़ी पुरानी होती है तो वो बहुत ही अच्छा प्लांट के लिए उपयोगी होती है, तो मैं वही चीज़ें डालती हूँ। और आप फर्टिलाइज़र वगैरह बना सकते हैं फ्रेंड, वो बाद की बात है, जब आपका गार्डनर एक अच्छा हो जाएगा गार्डन तो आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अपने रसोई घर से निकलती हैं, सब्जी उससे बनती है, तो फ्रेंड आप ऐसी चीज़ें बना सकते हैं। तो फ्रेंड ये तीन बातें मैंने बताई हैं आपको कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं, फोर्थ बात मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर आपको इच्छा है कि मैं कटिंग से प्लांट ग्रो करूँ, कई बार होता है, कईयों के होता है बजट कि वो नर्सरी से आजकल कोई भी प्लांट लेने जाएंगे फ्रेंड्स तो वो 20 रुपये का कोई भी प्लांट नहीं आता है, बहुत मुश्किल से मिलता है 20 का अगर ढूंढे तब, और फ्रेंड्स 40 या 50 से कम कोई भी प्लांट नहीं आता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप, जैसे कि ये पर्सलिन हुई, सदाबहार हुई, इनकी फ्रेंड्स आप कटिंग ढूंढें, कहीं भी कटिंग मिल जाती है आसपास कहीं पर भी, तो वहाँ से आप इसे कटिंग से ग्रो करें। इजी टू ग्रो हो जाती है, कटिंग से बहुत इजी हो जाती है ये दो चीज़ों की कटिंग, तो इन्हें आप कटिंग से ग्रो करें। और फ्रेंड कई ऐसे प्लांट होते हैं उन्हें भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, तो इजी टू ग्रो कटिंग से प्लांट हो जाते हैं। मेरे गार्डन में कई ऐसे आपको प्लांट दिखाई, मैं बताती हूँ अभी कि मैंने जो कटिंग से ही ग्रो किए हैं फ्रेंड। सिंगोनिया हुआ, कटिंग से ग्रो किया है, क्रोटन में ज़रूर परचेज करके लेके आई थी पर इसे भी आप ग्रो कर सकते हैं। रियो को मैंने ग्रो किया हुआ है, सदाबहार तो सीड्स से हो जाता है फ्रेंड्स, इसके सीड्स तो फ्रेंड्स जैसे नीचे गिर गए ना तो वहीं पर उग जाएगा, कहीं भी उग जाएगा फ्रेंड। जैसे फ्रेंड ये हुआ ना लीली जीजी प्लांट, तो फ्रेंड इसको मैं सलाह दूंगी कि आप अगर कर रहे हैं तो अभी ना लगाएं क्योंकि आपको इसकी केयर के बारे में नहीं पता होगा, आता भी ये फ्रेंड थोड़ा महंगा है तो मर जाएगा, तो उससे अच्छा है कि जब आप अच्छे परफेक्ट हो जाएं तब आप ऐसे प्लांट को लेके आएं, जैसे जीजी हुआ और फ्रेंड दूसरे प्लांट हुए बहुत सारे, जैसे कि एडिनम हुआ फ्रेंड। एडिनम आप तभी अपने गार्डन में ऐड करें जब आपको उसके बारे में पूरी जानकारी पता है कि ये ऐसे तरीके से ग्रो होता है, इसका ऐसे है, तभी आप इसे ग्रो करें। और फर्स्ट टाइम जब आप गार्डनिंग शुरू कर रहे हैं फ्रेंड्स तो तब तो आप इसे लेके ना आए क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ग्रो करोगे तो दिक्कत भी हो सकती है फ्रेंड, इसलिए आप फर्स्ट जब अपनी गार्डनिंग शुरू करना चाह रहे हो फ्रेंड तो ऐसे प्लांट लगाओ जो कि ईजी टू ग्रो होते हैं, बहुत आसानी से चल जाते हैं, उन्हें ज़्यादा धूप की आवश्यकता होती है, ऐसे प्लांट आप लाओ क्योंकि धूप में भी पड़े रहेंगे तो दिक्कत नहीं है। कई प्लांट ऐसे होते हैं फ्रेंड उन्हें छाया की भी आवश्यकता होती है तो छाया में भी रखने पड़ते हैं तो बार बार उनकी केयर भी ज़्यादा होती है, तो ऐसे प्लांट लेके आए फ्रेंड जो धूप में ज़्यादा चल जाते हैं, जैसे कि मोशरोज हुआ, ये धूप का ही प्लांट है फ्रेंड, धूप में ही खिलता है, ब्लूम करता है ये, तो ऐसे प्लांट आप लेके आए, जैसे पर्सलिन में बोल रही हूँ ये वाले, इस तरीके के आप ला सकते हैं। बट सदाबहार आप ला सकते हैं, आपके गार्डन में फूल देगा, रोज फूल देगा फ्रेंड ये, और चल भी बहुत इजी टू ग्रो जाता है फ्रेंड, तो इस प्लांट को आप बहुत आसानी से ला सकते हैं। तो फ्रेंड आज का वीडियो कुछ इस तरीके का था, आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताना फ्रेंड। और मैंने सोचा कि ये छोटी सी जानकारी है जो कि मैंने अपने इतने सारा, मतलब मुझे टाइम हो गया गार्डनिंग करते हुए तो एक्सपीरियंस लिया उससे, मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं, तो थोड़ी सी जो जानकारी थी वो मैंने शेयर की। जैसे जैसे मैं गार्डनिंग करती हूं वही ये जानकारी है, मैंने भी इस तरीके से ही शुरू किया था फ्रेंड। तो आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा देखना। गुड बाय फ्रेंड।